180 कमरे हैं। और जब उसकी आई बरतानिया की हुकूमत आई तो उन लोगों ने ही कोयले की कान बना दी गई थी। और आप देख सकते हैं इनकी हालत, तो ये जब इधर ये आप देख सकते हैं ये वाला ट्रैक है, तो इधर से रेलवे लाइन गुजारी गई थी। वो किस लिए गुजारी गई थी कि कोयला इधर से दूसरी जानब लेके जाने के लिए। वो जो आप बता रहे हो कि लाहौर के 12 दरवाजे बंद हो जाते थे, वो वाला वाक्या भी सुनाओ। अकबर बादशाह के दौर में जब लाहौर के वो 12 दरवाजे थे जो आपको पता ही है, मोची गेट, दिल्ली गेट, और भी कुछ गेट हैं जैसे शेरों वाला गेट, ऐसे गेट हैं, तो जब वो बंद होते थे तो आपको पता ही है जब उस दौर में ना तो पुल वगैरह ब्रिज वगैरह थे, तो जब उसमें दरियावी बिल्कुल के समय लोग कश्तियों में सफर करते थे लोग, तो जो लोग रात को कश्ती बंद कर देते थे, जो लोग इधर रह जाते थे वो फिर इस एरिया में आके स्टे करते थे, यानी कैसे मेहमान खाने के तौर पे यूज किया जाता है। इसीलिए सर इसे अकबरी सराय के नाम दिया गया। जी तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। इस टाइम मैं मौजूद हूं अकबरी सराय में, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मेरे जो दाएं जानिब है वो है जहांगीर का मकबरा, और बाएं जानिब आप देख सकते हैं ये है आसिफ खान का मकबरा। ठीक है, तो ये आप मेरे अगर दाएं जानिब देखें और बाएं जानिब देखें और आगे देखें पीछे देखें, चारों तरफ बने हुए हैं उससे पहले अकबरे सराय में कमरे। और ये किस मकसद के लिए बनाए गए हैं ये अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उस जमाने में 200-400 साल पहले ये जो है सड़कें नहीं होती थी, कन्वेसिस नहीं होती थी, तो उस टाइम के जमाने में ये हमारा मेहमान खाने बनाए थे शहनशाह हिंद ने। इस तरह के मेहमान खाने बनाने का मकसद ये था कि जो लोग बाहर से आते थे, ठीक है, उनको रहने की एक जगह फराहम की जाए, एक जगह मिल जाए जिसमें वो रह सकें और उनको बाहर किसी तंगी का सामना ना करें, क्योंकि उस जमाने रिहाइशें नहीं होती थी, दूर दूर तक घर नहीं होते थे। और क्योंकि ये जो जगह है ये जगह रावी के किनारे पर है, इसीलिए इसको बनाने का मकसद यही था कि हमारे बादशाह जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मेहमान नवाज थे, और उन्होंने इसीलिए ये 180 कमरे बनाए। आप देख सकते हैं, रिपीट करूंगा, ये 180 कमरे हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा मेरे राइट पे भी दिखाए, लेफ्ट पे भी दिखाए, आगे भी दिखाए और पीछे भी दिखाए। टोटल ये 180 कमरे बनते हैं कि जितने ज्यादा मेहमान आ जाएं उनके लिए जगह कम ना हो। तो चले मैं आगे आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आपको और नई नई चीजें दिखाता हूँ। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये मस्जिद है मकबरा जहांगीर, जैसे कि बहुत बड़ी मस्जिद है आपको नजर आ रही होगी। और ये पत्थर के बारे में कहा जाता है, ये जैसे कि मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस पत्थर के ऊपर फोकस करें, काफी बड़ा, जब 2005 और 2007 में जलजला आया था तब ये पत्थर गिर गया था और काफी यानी कि मस्जिद को नुकसान हुआ था। तो अब चलते हैं मकबरे आसिफ की तरफ। Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your... जी तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे जो सामने है मकबरे आसिफ है, और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जल्दी से दिखाए। और बाहर से ऐसे ही लगता है कि ये एक सराय, ठीक है, और मेहमान खाना ही बना हुआ है, पर इसके अंदर तो एक अलग ही दुनिया है, जैसे कि मैं खुद आके शौक हो गया हूँ कि ये कैसे हो सकता है, एक अलग ही दुनिया शुरू हो गई है आगे आके। तो ये अब हमारे बिल्कुल सामने मकबरे आसिफ शुरू हो गया, और बहुत ही कमाल का है और बहुत ही जबरदस्त है, और मैं तो बस देख के हक्का बक्का हो गया हूँ, और मेरे पास वाकई कोई अल्फाज नहीं है। और इतना 400 साल पुराना कहा जाता है, ये 400 साल पुराना बना हुआ है, और वाकई में नेचुरल चीज है जो भी है। तो अपने कैमरामैन से कहूंगा इस पे फोकस करें और दिखाए जरा। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows. जी तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था गैलरी में जाकर के आसिफ खान में एक इस तरह की इमारत थी, तो मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाए। ये देखें इतना बड़ा गेट किस तरह से उस टाइम के जमाने में बना था, और बाकी देखने वाले के औसान जो है खता हो जाते हैं, और बिल्कुल समझ नहीं आती कि किस तरह से इतना बड़ा गेट बनाया गया था। तो देख सकते हैं आप।
अपने कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मेरे लेफ्ट साइड पे भी दिखाए कि वो भी एक गेट है और लग नहीं रहा कि गेट है और बहुत ही एक अजीब सा चीज लग रही है और बहुत ही प्यारी लग रही है जो भी चीज है, तो कमाल जी। तो गाइस ये अब हम आसिफ खान के मकबरे के अंदर घुसने ही वाले हैं और मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और ये जो है जहांगीर के मकबरे से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। जहांगीर के मकबरे में तो काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है और काफ़ी ज़्यादा वो वेल डेवलप है, पर ये जो है इसकी भी बात अलग ही है, इसकी जो खसूसियात हैं वो भी जुदा हैं, इसको हम कुछ अलग ही कहेंगे। और वाकई बहुत ही अच्छा है, ये आप देख सकते हैं, ये आसिफ खान की मेरे सामने कब्र है और जिसको मकबरा भी कहा जा सकता है। तो मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि इन्हें जूम करके दिखाएं। But I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, इसकी छत की अगर बात की जाए तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की डिजाइनिंग हुई हुई है और कुछ जो है इसका पत्थर उतर चुका है, पर फिर भी बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं इसके ऊपर डिजाइनिंग काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और काफी डिफिकल्ट है। और अगर इसे देखा जाए तो काफी रेयर भी अब इस तरह का पत्थर अवेलेबल नहीं है जो इस टाइम लगा हुआ है। और बाकी कहा जाता है कि राजा रंजीत सिंह जब आया था इसने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था इस मकबरे को। और जैसे कि हम देख सकते हैं इस मकबरे में चारों तरफ क्रॉसिंग की जगह बनाई गई है, चारों तरफ से क्रॉसिंग होती है और बहुत ही जबरदस्त किस्म की हवा आती है। और ये पत्थर इस तरह के लगाए गए हैं कि एक कमरा जो है फुल ठंडा है और गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा, और गर्मी का एहसास तो हो ही नहीं रहा। और ऊपर से जो इन्होंने क्रॉसिंग के लिए ऊपर भी वो इन्होंने वेंटिलेटर बनाए हुए हैं और नीचे भी इन्होंने इसी तरह के रोशनदान और दरवाजे इस तरह के बनाए हुए हैं कि यहाँ गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हमें हो रहा जबकि हम गर्मी में आए हुए हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मकबरा है। और अब चलते हैं, दुआ करते हैं जी। तो अब हम फातिहा खानी की तरफ बढ़ते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। यहाँ कहा जाता है कि राजा रंजीत सिंह जब आया था उसने ये सारे पत्थर उतार दिए थे। जैसे कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इसे जूम करके दिखाएं कि देखें ये सारे पत्थर उतरे हुए हैं, ठीक है। तो इस साइड से भी सारे उतरे हुए हैं और काफ़ी उसने यहाँ पे आके नुकसान पहुँचाया था। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मकबरा जहांगीर में भी जब उन्होंने आए थे वहाँ पे भी काफ़ी उन्होंने पत्थर पत्थर उतार दिए थे, नुकसान पहुँचाया था काफ़ी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसी तरह से आसिफ खान पर भी उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ये नीचे के भी सारे पत्थर उतरे हुए हैं और ऊपर के भी उतरे हुए हैं और कहा यही जाता है कि ये राजा रंजीत सिंह जब आए थे उन्होंने ये सब कुछ उतारा था। और जैसे कि मैं अपने ऊपर की जानिब अगर दिखाऊं तो ये ऊपर का नुकसान भी उन्होंने ही किया था। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर से पत्थर उतरे हुए हैं। ये भी कहा यही जाता है कि राजा रंजीत सिंह जब आए थे उन्होंने ये पत्थर पत्थर उतार दिए थे और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। और जैसे कि ये खस्ता हाली का शिकार है तो वैसे उनके ही किए जाने की वजह से है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे बैक जाने पे एक मस्जिद है, कहा जाता है कि ये आसिफ खान की मस्जिद है और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे भी बैक साइड पे भी। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस पे फोकस करे और दिखाए कि वो सामने आसिफ खान की मस्जिद है और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। पीछे जो थी मकबरे जहांगीर की मस्जिद थी और ये आसिफ खान की मस्जिद है। ये इसलिए बनाई गई थी कि जो लोग उस वाली जानिब से आते हैं तो वो इस वाली मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं और जो उस जानिब से आते हैं तो वो मकबरे जहांगीर में नमाज अदा कर सकते हैं। जी तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस टाइम आसिफ खान की कब्र पर मौजूद हूं और मेरे दाएं जानिब की अगर बात की जाए तो दाएं जानिब पर मकबरा जहांगीर की मस्जिद है और अगर मैं बाएं जानिब की बात करूं तो आसिफ खान की मस्जिद है। और अगर मैं अपने शुमाल की बात करूं तो शुमाल पर वो आप देख सकते हैं वो एक गेट है जिसकी बैक साइड पर अब दरबार बना दिया गया है। पहले वो गेट ओपन होता था पर अब वहाँ दरबार बन गया और वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि मेरे पीछे दिखाया जाए
तो मेरे पीछे एक जो है बहुत बड़ा सा गेट है, और ये गेट तो इस टाइम बंद इन्होंने किया हुआ है क्योंकि वो दूसरा वाला गेट यूज़ हो रहा है, और ये गेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और बहुत ही ज़्यादा एंटीक है, और जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइम पूरा असरार भी लग रहा है, पर दिखने में बहुत अच्छा है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अकबरी सराय में। जैसे कि आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं टोटल ये 180 कमरे हैं, और कहा जाता है इनके बारे में कि जब लाहौर के 12 दरवाजे बंद हो जाते थे तो बाहर से आने वाले जो मेहमान होते थे वो यहाँ पर आके रुकते थे। बाकी जो डिटेल है हमारे साथ आज अली मौजूद है वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र। तो अली बताएं यार इसके बारे में डिटेल, आपको ज़्यादा नॉलेज है, हमें तो इतना है नहीं, तो बताएं फिर आज। अच्छा सर ये देखें, ये 180 कमरे हैं सारे रूम, ये आप देख सकते हैं। ये जब सिखों की हुकूमत आई थी तो उन लोगों ने इधर घोड़े वगैरह बांधे थे, और जब कमरों में कह रहे हो ये जो बने हुए 180 कमरे? 180 कमरे हैं, और जब उसकी आई बरतानिया की हुकूमत आई तो उन लोगों ने ही कोयले की कान बना दी गई थी, और आप देख सकते हैं इनकी हालत। तो ये जब इधर यार देख सकते हैं ये वाला ट्रैक है, तो इधर से रेलवे लाइन गुजारी गई थी, वो किस लिए गुजारी गई थी कि कोयला इधर से दूसरी जानब लेके जाने के लिए। वो जो आप बता रहे हो कि लाहौर के 12 दरवाजे बंद हो जाते थे, वो वाला वाक्य भी सुनो। अकबर बादशाह के दौर में जब लाहौर के वो 12 दरवाजे थे जो आपको पता ही है, मोची गेट, दिल्ली गेट, और भी कुछ गेट हैं जैसे शेरों वाला गेट, ऐसे गेट हैं, तो जब वो बंद होते थे तो आपको पता ही है जब उस दौर में ना तो पुल वगैरह ब्रिज वगैरह थे, तो जब उसमें दरिया रावी बिल्कुल के समय लोग कश्तियों में सफ़र करते थे लोग, तो जो लोग रात को कश्ती बंद कर देते थे, जो लोग इधर रह जाते थे वो फिर इस एरिया में आकर स्टे करते थे। कैसे मेहमान खाने के तौर पे यूज़ किया जाता था, इसलिए सर इसे अकबरी सराय का नाम दिया गया। तो ये मेरे राइट साइड पे क्या मौजूद है ये भी बताओ। ये सर ये भी एक मेन गेट है जो कि मकबरा जहांगीर की जानिब जाने के लिए बनाया गया था, तो इसका नाम अब डाक बंगले के नाम से ही जाना जाता है। अब इस तरफ देखिए ये भी एक गेट है, ये भी मेन गेट था पहले, तो इसकी बैक साइड पे अब कब्रिस्तान बना दिया गया है। अब ये इस तरफ देखें तो इस तरफ ये जो मेन गेट है जिधर से आप टिकट लेके एंटर हुए कि ये अभी मौजूद है, ये अभी के काम में रखा हुआ है। ये डाक बंगले को डाक बंगला क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या हकीकत है? ये इसलिए सर इसे डाक बंगला बोला जाता है कि जब उनकी हुकूमत में जहांगीर बादशाह नूर जहाँ जब उधर दिलकुशा बाग में सैर करने के लिए जाते थे, तो जो विजिटर आते थे वो पहले इधर परमिशन लेके आगे जाते थे, या कोई लेटर खत वगैरह आता था तो पहले इधर ये गेट पे आता था, उसके बाद आगे जाता था, इसीलिए इसे डाक बंगला बोला जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।